नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। देश को एक नया राष्ट्रपति मिला। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में कोई नया चेहरा देखने को मिला। ऐसे में राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं को लेकर कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कितना होता है भारत के राष्ट्रपति का वेतन और रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। वेतन। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति महीना होता है। इस मासिक वेतन यानी सैलरी के अलावा भी राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते मिलते हैं। निवास। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं और इसका फ्लोर एरिया 2 लाख वर्ग फुट है। सिक्योरिटी। भारत के राष्ट्रपति कस्टम बिल्ट ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600W221 पोलमैन गार्ड से चलते हैं। राष्ट्रपति के पास आधिकारिक यात्राओं के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस लिमोजिन कार भी मुहैया करवाई जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं या सुविधाएं। भारत के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद भी जीवन भर निशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद की सेवाएं। भारत के राष्ट्रपति को अपने रिटायरमेंट के बाद भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें खासतौर से पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। राष्ट्रपति की पत्नी या पति को 30,000 रुपए प्रति माह की सचिवीय सहायता मिलती है। एक सर्व सुविधा युक्त बंगला जो किराया मुक्त होता है, बंगला टाइप 8, 2 निःशुल्क लैंडलाइन और 1 मोबाइल फोन दिया जाता है। ट्रेन या हवाई मार्ग से एक साथी के साथ निशुल्क यात्रा की सुविधा। 5 निजी कर्मचारी। स्टाफ का खर्च 60,000 रुपए हर साल। जी हाँ, देश के राष्ट्रपति को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।